हेलो एवरीवन आई एम हेमलता शर्मा एंड टुडे वी विल डू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फ्रॉम पेज नंबर थर्टी इंग्लिश बुक ऑफ क्लास एट्थ एंड लेसन नंबर सेकंड द सुनामी इट इज़ आर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फ्रॉम पेज नंबर थर्टी एज़ आई टोल्ड यू ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है पेज नंबर थर्टी का और इससे पहले वाले क्वेश्चन हमने इससे पहले के वीडियोज में कर लिए हैं अगर वो आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो इससे प्रीवियस वीडियोस ऊपर आपको आई बटन दिखेगा वहाँ पर क्लिक करने पर मिल जाएंगे तो आप वहाँ से देख सकते हैं तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को फेट द अर्थ क्विक जब उसने अर्थक्विक महसूस किया डू यू थिंक आइजेनियस इमिडिएटली वरीड अबाउट सुनामी तो जो आइजेनियस नाम का एक व्यक्ति था उसके बारे में हमने चैप्टर में पढ़ा है फर्स्ट पैराग्राफ में ही तो उसने उसी समय सुनामी को महसूस कर लिया Give reason for your answer. आप यस और नो जो भी देते उसका रीजन भी बताओ सेंटेंस में से कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो आपको ये बताता है कि आइजेनियस जो आइजनियस था वो फैमिली टू डिस्कस द प्लान कि उनकी फैमिली के पास में डिस्कस करने का कि अपनी जो भी योजना थी सुनामी से बचने की उसे डिस्कस करने का टाइम था द कोर्स ऑफ एक्शन आफ्टर द सुनामी स्ट्रोक जो भी सुनामी की स्ट्रोक यानी कि सुनामी जो उनसे टकरा चुकी थी उसके बाद में उन्हें कौन सा एक्शन करना था कौन सा काम करना था ये सभी डिस्कस करने के लिए उनके पास समय था तो सबसे पहला तो क्वेश्चन हमारा यहीं तक हो जाता है और हम यहीं तक का उसका आंसर देखते हैं तो जैसा कि हमने चैप्टर में रीड किया था नो नहीं सुनामी जब आई थी तो उससे पहले ही जो आइजनीशियस थे उन्हें इसके बारे में नहीं पता था नो no, आइजनियस डिड नॉट थिंक अबाउट द सुनामी नहीं आईजे जो आइजेनिशियस थे उनको इस बारे में नहीं पता था ही थोड़ दैट उन्होंने सोचा था कि इट वो जस्ट एन अर्थक्विक कि ये सिर्फ क्या है एक अर्थक्विक है एक भूकंप है उन्हें सुनामी का नहीं पता था उन्होंने सिर्फ इसे एक भूकंप समझा था

सबसे पहले तो उन्होंने पूछा कि क्या उन्हें पता था तो हमारे यहाँ तक हो गया नहीं उन्हें नहीं पता था फिर उन्होंने कहा कि आप नहीं बोल रहे हो तो क्यों बोल रहे हो उसका रीजन दो क्वेश्चन में ये था तो उसका रीजन था कि उन्होंने सबसे पहले क्या किया था इसे अर्थ को समझा था इसीलिए उन्होंने टीवी को उठाया और उसे ग्राउंड पर रख दिया नेक्स्ट हमारा उसी के अंदर थर्ड क्वेश्चन होता है कि क्या उनके फैमिली के पास डिस्कस करने का टाइम था कि अब ये सुनामी आ चुकी है तो हम लोगों को अब आगे क्या करना चाहिए तो आंसर यहाँ से होता है हिज फैमिली डिड नॉट हैव टाइम उनकी फैमिली के पास टाइम नहीं था हैव टू डिस्कशन किसी भी बात को डिस्कस करने के लिए एंड प्लान देयर कोर्स ऑफ एक्शन और उन्हें क्या करना है इस योजना को उनके पास चर्चा करने के लिए समय नहीं था अब नेक्स्ट में हमें पूछा गया कि ऐसा एक सेंटेंस भी बताइए कि हाँ उनके पास चर्चा करने का समय नहीं था आप ये बात बोल रहे हैं लेकिन ऐसा क्यों था तो देखिए जो चैप्टर था उसी के अंदर हमारा आया था कि द फॉलोइंग सेंटेंसेस टैल्ड अबाउट दैट कि उन वो जो थे बहुत ही कंफ्यूज थे चाउस के अंदर थे तो वो था कि टू ऑफ हिज चिल्ड्रन कॉट होल्ड ऑफ हैंड ऑफ़ देयर मदर्स फादर क्योंकि जो आइजेनियस थे उनके दो बच्चों ने तो क्या कर लिया उनकी मदर के जो फादर थे यानी नाना जी जो थे उनके हैंड को होल्ड किया यानी पकड़ लिया और एंड मदर्स ब्रदर और अपने उनकी मदर के ब्रदर के मदर के फादर और ब्रदर यानी मामा और नाना दोनों के हाथों को उन्होंने पकड़ लिया एंड रश्ड इन टू द अपोजिट डायरेक्शन और उसके अपोजिट डायरेक्शन में यानी दूसरी दिशा के अंदर वे भागने लगे तो इस सेंटेंस से पता चलता है कि उनके फैमिली के पास में डिस्कशन का कोई समय नहीं था एक बार वापस आंसर दोबारा से पढ़ लेते हैं जो कंप्लीट आंसर है ियस डिड नॉट थिंक अबाउट द सुनामी नहीं आइजेनियस जो थे उनको सुनामी के बारे में नहीं पता था ही अर्थक्विक उन्होंने सोचा था कि ये सिर्फ एक अर्थक्विक यानी कि भूकंप है सो ही टूक ऑफ द टेलीविजन फ्रॉम द टेबल एंड पुट इट ऑन द ग्राउंड इसलिए उन्होंने टेलीविजन को टेबल से उठाया और उसे ग्राउंड पर रख दिया ही डिड नॉट है देयर कोर्स ऑफ एक्शन उनकी जो फैमिली थी उसके पास चर्चा करने का समय नहीं था डिस्कस करने का समय नहीं था और आगे क्या करना है इसकी योजना बनाने का भी उनके पास समय नहीं था द फॉलोइंग सेंटेंसेज टेल्स अबाउट द चाउस एंड कन्फ्यूजन जो नीचे दिया गया सेंटेंस है वो हमें उनकी कन्फ्यूजन उनकी भ्रांतियाँ और उनकी घबराहट को बताता है टू ऑफ हिज चिल्ड्रंस कॉट जो उनके दो बच्चे थे कॉट हॉल्ड ऑफ हैंड ऑफ देयर मदर्स फादर उन्होंने उनके मदर के उनकी मम्मी के पिताजी का हाथ एंड मदर्स ब्रदर और उनकी मम्मी के भाई का हाथ पकड़ लिया एंड रस्ट इन टू द अपोजिट डायरेक्शन और दूसरी दिशा के अंदर वे दौड़ने लगे तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है कंप्लीट होता है आई होप आपको आंसर समझ आया होगा अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें थैंक यू फॉर वॉचिंग